भारतीय किसान यूनियन आज से उपायुक्त कार्यालय पर धरना देगी और भाजपा का सभी जगह विरोध करेगी। पंजोखड़ा पंचायत में किसान 15 से 19 तक धरने देने के साथ 20 सितंबर को प्रदेश की सड़कें करेंगे जाम। उन्होंने गृह मंत्री के निवास का घेराव की भी चेतावनी दी है। भाजपा सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज करके जलियांवाला बाग के अंग्रेजी जनरल डायर की याद को ताजा कर दिया है। उन्होंने कहा, जिन किसानों पर सरकार के इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वो अब एक क्रांति बनकर उभरेंगे। किसानों ने कई गांवों में भाजपा वालों के आने की मनाही के पोस्टर लगाए हैं। 10 सितंबर की पुलिस कार्यवाही से भड़के किसान संगठनों ने अब भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। कल देर शाम पंजोखड़ा में भारतीय किसान यूनियन के नुमाइंदों की अगुवाई में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भाकियों के उप प्रधान गुलाब सिंह, जय सिंह जलबेहड़ा, मलकियत सिंह, कर्म सिंह मानकपुर सहित कई किसान नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें हरियाणा सरकार सहित प्रधानमंत्री की किसान विरोध नीतियों को जमकर कोसा गया। इस मौके पर 10 सितंबर को लाठीचार्ज में घायल युवकों को किसान शेर के नाम से पुकारा गया। इस मौके पर भाकियों के प्रदेश उप प्रधान गुलाब सिंह ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानती और कला कानून वापस नहीं लेती, तब तक वे विरोध स्वरूप काले कपड़े व काली पगड़ी ही पहनेंगे। इस मौके पर उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि वे भी लाठीचार्ज न करने का झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे किसानों पर लाठीचार्ज का सबको पता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जिन किसानों पर 307 के मामले दर्ज किए हैं, वे जमानत नहीं करवाएंगे और सरकार की चूल्हे हिला देंगे। वाइस प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन वाला आज जो पंजोखड़ा में इस इलाके के किसानों की और सरपंचों की जो मीटिंग हुई है, वो इसलिए की गई थी कि 10 तारीख को इस इलाके के किसानों ने जो इस रैली में बढ़ चढ़ कर काम किया है और हिस्सा लिया है, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करने के लिए हैं। और जो आगे की रणनीति है उसके बारे में हम इनको बताने के लिए हैं। किसान ने जो 3 कार्यक्रम पढ़ाए थे, आज किसानों का जो आंदोलन था, अब ये जन आंदोलन के रूप में बन गया है। और हम आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहते हैं कि जब तक ये सरकार काले कानून वापस नहीं लेती, ये किसान यूनियन हम जो बरनाम सिंह की अध्यक्षता में है, इसका पुरजोर विरोध करेगी और अपने घर नहीं बैठेगी, इस सरकार की नींद हराम करके रखेगी। ये जो आज मैंने काले कपड़े पाए हुए हैं, जिस दिन से आंदोलन शुरू किया है उस दिन से पा रखे हैं, और जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेती, ये काले कपड़े नहीं निकालेंगे। ये मेरा इस रास्ते वादा है आपके माध्यम से। बीजेपी है ना, इसका असली नाम भारतीय झूठी पार्टी, इसका नाम ही झूठी पार्टी है। इसका झूठ बोलना ही इसका कर्म है। झूठ के सहारे ही ये आज सत्ता में आई है। सबसे पहले इसने कहा था कि 15 लाख रुपया हरेक आदमी के खाते में आएगा, वो नहीं आया। हरेक घर से एक तो नौकरी मिलेगी, वो नहीं मिली। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, वो नहीं हुई। कर्जा माफ़ करेंगे, वो नहीं हुआ। इसने जो भी आज तक झूठ बोला है वो निरई झूठ है। तो ये जो आप सरकार झूठ बोल रही है, और स्पेशली ये विज, अनिल विज, जिसका नाम हमने आज से नील विज रख दिया है, नील का मतलब जीरो है, इसको हम बताना चाहते हैं। हमारे साथ ये कितने किसानों के बेटे खड़े हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, किसका गुट्टा टूट गया है, किसके सिर फट गया है, किसके कंधे पे चोट है, लेकिन इस बात का सबूत है कि इन नित्य किसानों पर इस गंदी सरकार ने, क्रूर सरकार ने जो बर्बरतापूर्वक हमला किया है, हम ने सारा देश इसकी निंदा करता है। ये जो आगे की नीति है ना, कल परसों हमारे प्रधान बता देंगे, उसी के अनुसार अगली जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। और ये रणनीति ऐसी होगी, ये आर पार की लड़ाई होगी या फिर किसान। ये जिन लोगों को चोटें लगी है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, इनका क्या किया जाएगा? ये हमने सबको बोला है कि किसी को जमानत नहीं करानी है। सरकार हमें पकड़ने से पहले ये मुकदमे तो थोड़े लोगों पर हैं, लेकिन हम हजारों लाखों की गिनती में जाएंगे भी सरकार हमें अरेस्ट करें। और जाएंगे भी जो गृह मंत्री है हरियाणा का, उसके घर पहुंचेंगे और उसको बोलेंगे, हिम्मत है तो इन 300 किसानों के बच्चों को अरेस्ट मत करो, जितने भी किसान आपके पास हैं इनको सबको अरेस्ट करो। करने जा रहे हैं, मेरा नाम मलकीत सिंह, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन चिरौनी हरियाणा, अम्बाड़ा प्रधान हूँ। और आज मीटिंग हुई है जो 10 तारीख की, हमने
रैली रखी थी, उसमें यहाँ के लोगों ने, इलाके के लोगों ने जो सहयोग किया उनका धन्यवाद करना था। और एक जो हमारे बच्चे हैं जिनको काफ़ी चोटें आई हैं उनका भी धन्यवाद करना था, जिन्होंने वहाँ जाके निहत्ते खड़े होकर पुलिस से डंडे खाए और पुलिस का जुलम सहा। आज ये बच्चे क्रांति बनेंगे अम्बाले की और ये क्रांति पैदा करेंगे जिन्होंने डंडे खाए हैं, आगे के लिए और ज़्यादा मजबूत होंगे। हम तो ये कहते हैं डंडे उन्होंने थोड़े मारे और मार लेते तो बढ़िया था। और दूसरा हमारा बीज साहब कहते हैं भाई डंडा तो लगे ही नहीं कोई, बीज को दिखाएंगे भाई डंडा लगता कैसे है। मेरे घर बीज ने तो आँख पर पट्टी बांध रखी होगी, उसने आँखें बंद करके सो गया होगा या तो या कहीं कमरे में बंद हो गया होगा, उसको दिखे नहीं डंडा। इतना सारे हरियाणा में आज दिख रहा है भी डंडा, बाहरली कंट्रियों तक डंडा पहुँच गया, बस तब दिखा रहे हैं रोडों पर लोगों को पीटते बजाक पका कर निहत्ते किसानों पे। और सिविल वर्दी में गुंडे इकट्ठे करके वहाँ पे सिविल में बंदे बुलाए हुए थे, आरएसएस के जो गुंडे थे बड़े बड़े मोटे लाठ लेके उन्होंने किसानों पर अत्याचार किया। हम इस अत्याचार की को नहीं सहेंगे और इसकी घोषणा करते हैं कि आगे ऐसा अत्याचार करेगी पुलिस तो इससे और कड़ा आंदोलन हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये पुलिस की जिम्मेवारी होगी, फिर ये प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, फिर हमारे बाहर हाथ से बाहर हो जाएगा काम। हम तो शांति प्रिय गए थे और शांति प्रिय जाने की हमारी तैयारी थी, ना हम किसी से झगड़े, हमारे किसी आदमी ने पुलिस पर हाथ नहीं उठाया और पुलिस ने हमारे बंदों को इतनी रहमी से कूटा है उसका क्या आसार है। यहाँ की पुलिस ने ऐसा काम किया कि जैसे जलियांवाले बाग में पहले जनरल डायर ने अत्याचार किया था, वो इस हरियाणा की पुलिस ने और अनिल विज ने ये अत्याचार जलियांवाला बाग बना के रख दिया। क्या करेंगे किसान यूनियन आके से? अब किसान यूनियन आके फिर 15 तारीख से धरना देंगे 5 दिन डीसी ऑफिस में और 20 तारीख को पूरा हरियाणा सील करेंगे, वो रोड देख के बंद करेंगे कौन सा रोड जहाँ कहाँ बंद करना है, पूरे हरियाणा में वो सील करना है 3 घंटे के लिए। और उसी पे आज ये चर्चा भी हुई है और 20 तारीख के बाद फिर अगला प्रोग्राम जो होगा वो बाद में रखेंगे।